बाड़मेर जिला पुलिस को जिले भर में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि सिंधरी कस्बे में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों पर पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया। टीम ने चोरी के मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश जाट को पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने के साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सिंधरी कस्बे में एक फोटोग्राफर की दुकान में चोरी हुई थी और उनका कैमरा चोरी गया था। कीमती था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो रात में 12-1 बजे आए कोई कवरेज करके शादी विवाह समारोह का, और रात के 2:30-3 बजे की वारदात थी जो कैमरे में थी। उसके अगले दिन वहाँ पे एक बाजार बंद 2 घंटे के लिए किया जाता है। हमें बाड़मेर पुलिस या कोई भी राजस्थान में पुलिस होगी, शायद उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन बंद करने का। हमारी एक सतत प्रक्रिया है, चोरियां हो रही थी और हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम इसमें लगी हुई थी कि जो भी गिरोह कर रहा है उसका पर्दाफाश करना है। चांस की बात है कि हमने जो हम फॉलो कर रहे थे और फॉलो करते करते हमने एक लड़कों को पकड़ा, फिर उनसे इंटरोगेशन हमारा 2-3 दिन चल रहा था। जिस दिन ये बंद हो रहा था उस दिन ये लड़के हमारे पास थे और हम इनसे इंटरोगेशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी। और अब ये जिसमें से 3 बालिग हैं 3 नाबालिग हैं, तो नाबालिगों का मैं नाम भी नहीं ले सकता। 3 जो बालिग हैं उसमें एक अशोक कुमार जाति जाट निवासी गरडिया रामसर है, प्रेम प्रकाश है निवासी सांझटा सदर, और देवाराम निवासी तरातरा चौहटक। इनके माध्यम इनको इंटरोगेशन के पश्चात हमने 8 मुकदमों का, जो चोरियां इन्होंने अलग अलग जगह करी जो इन्होंने कबूल करी हैं, उसका खुलासा किया है, जिसमें 3 सिंधरी थाने की हैं, जिसमें FIR 13/2020, 16/2020 और 19/2020, जिसमें कि इनकी गिरफ्तारी डाली गई है इनकी, और जो 3 नाबालिग हैं जिनको कि पेश किया जाएगा। इन्हीं के एक साथी से हमने अवैध हथियार जो देसी कट्टा है वो भी रिकवर किया है। बाड़मेर पुलिस के लिए अच्छी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि इस ग्रुप के पूरा जो गैंग है इसको हमने अनर्थ किया है, तो आने वाले समय में इनका जो ऑपरेशनल एरिया था वहाँ पे अब आम नागरिकों को, बाड़मेर के निवासियों को, जिले के निवासियों को चोरी से राहत मिलेगी।